बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए। वो बार बार बौराया ना, फिर फल आया ना। बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए, और हम थोड़ा सा ही पाकर बार बार बौराए। तुम बौराए काम भी आए, सबके मन को भाए, पर हम बौराकर नष्ट हो गए, किसी काम ना आए। लूटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते कौड़ी संग न जाना। काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए, काश कभी मेरा मन भी तेरे जैसा हो जाए। अहंकार के पात पात पत जड़ बनकर जड़ जाए। नव पल्लव स्निग्ध भाव नव कलियों सा, मेरा पौर पौर आमंत्रण पौरों को देता हो। सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल हो जाए, गर मेरा बौराना भी तेरे जैसा। सारे जन्मों के कर्मों का फल सुफल, कदाचित मेरा बौराना भी तेरे जैसा। दक्ष के यज्ञ की कथा देवियों, उपलब्धियां पाकर मदो नमस्त एक अभिमानी की कथा। आपने तो बहुत बार कथा सुनी है। एक बात निश्चय हुई कि जिस व्यक्ति को मान नहीं पचाना आता, वो अपमान नहीं झेल सकता, और जिसे मान पचाना आ गया, बड़ी बड़ी उपलब्धियों से जिसको अपना संतुलन बनाना आ गया, तो मान पचाना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुमने कितना खाया महत्वपूर्ण ये नहीं है, तुमने कितना पचाया महत्वपूर्ण ये है। हाँ, हमें मिलता है, समर्पण करो तो मिलता है, तप करो तो मिलता है, पुरुषार्थ करो तो मिलता है। जिसे तुम यश कहते हो, जिसे तुम मान कहते हो, जिसे तुम सम्मान कहते हो, वो सम्मान मिला लेकिन वो पचा नहीं। वो अहंकार ही बनाता है, मदोन्मत्त बनाता है। कैसा विचित्र है कि एक पूरी भरी सभा में सब उठकर दक्ष प्रजापति का सम्मान करते हैं, पर शिव आत्मरथ है, आंखें बंद हैं, देखा नहीं उन्होंने कि दक्ष आए हैं, प्रजापतियों के अध्यक्ष आए। और नंदी कहे, भोले बाबा आंखें खोलो, आंखें खोलो, ससुर जी आए हैं, उठो स्वागत के। और भगवान सोच रहे कि सबका सम्मान किया जाता है, नहीं, अंतर्यामी का सम्मान किया जाता है। पर अब तो जो होना हो गया, अभिमानी आदमी को दिखाई नहीं देता कि स्वागत में जो खड़े हैं उनको देखूं, उन्हें दिखाई देता है जो मेरे स्वागत में नहीं खड़ा हुआ, उसे ही देखता है। हमें क्या मिल गया हम वो नहीं देखते, हमें क्या नहीं मिला हम वो देखते, ये अभिमानी का लक्षण है। पर अभिमान की दुर्गंध ना देवियों, मल मूत्र से भी ज्यादा बुरी होती है। अहंकारी के साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। और जिसको लोक संग्रह करना है, अगर वो अहंकार के शिखर पर होगा तो कैसे बात बने, कैसे बात बने। किसी को कुल का अभिमान है, किसी को विद्वता का अभिमान है, किसी को उपलब्धियों का अभिमान है, और सभी को तो बड़े बाप की बिटिया इसी बात का अभिमान है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अगर आप में अहम है और बहम है, ये दो चीजें आपको वंचित करती हैं, अपने अपनों से वंचित करती हैं, अपनों से वंचित करती हैं। अगर आप शिखर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मरण रखना, अहंकार के शिखर पर चढ़े व्यक्ति, शिखर का ये भी सच होता है कि वो अकेला ही होता है, उसके आस पास कोई दूसरा नहीं होता। शिखर का ये भी तो सच है, ये भी तो सच है। सिर्फ मात्र
शंकर जी का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन हुआ है। सती ने जाने की जिद की है, वही सती जिसके चित्त में कथा नहीं प्रवेश कर पाई, राम दर्शन धन्य नहीं कर पाया, फिर इतने लंबे काल तक पति के वियोग ने जिसको व्याकुल किया। भगवान कथा सुनाते रहे, कथा नहीं सुन रही, विमान पर चढ़े देव जा रहे हैं उनकी तरफ देख रही हूँ, मैं आपको कथा सुना रही हूँ, तुम दाएं बाएं झांक रही हो, तो मैं क्या कहूंगी, देवियों जरा दत्त चित्तों की कथा सुनो, इधर उधर क्या देख रही हो, चित्त चपल है। और जब चित्त चपल होता है ना तो शरीर से पता चल जाता है कि चित्त चपल है। बहुत सारे लोग हैं जो बैठे बैठे कुर्सी पे टांग हिलाते रहते हैं पूरे समय, उनका पैर हिलेगा टांग हिलेगी, ये अच्छा नहीं है, इससे पता चलता है कि चित्त में कितनी चपलता है, क्योंकि चित्त की चपलता देह को अशांत कर देती है। आप दत्त चित्त होकर नहीं बैठ पाते, मन चपल है चंचल है। पर मायके की माया जबरदस्त है भैया, जबरदस्त। और आजकल तो मोबाइल पे इतनी सूचनाएं, सारा दिन में 10 बार घर की बात माता जी को, मैं विरोध में नहीं हूं, अच्छी बात है मोबाइल अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि तुम हर पल हर क्षण एक पौधा उखड़ा एक धरती पर दूसरी धरती पर रोपा गया है तो उसको वहां सिंचित होना चाहिए, वहां उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ ना देवी।